नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एडोब आफ्टर इफेक्ट 2021 को रन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है। इस एरर में लिखा हुआ है सॉरी इंस्टॉलेशन फेल्ड, एरर कोड 195, इस तरह का एरर आ जाता है। चलते हैं स्क्रीन की ओर। इसे सही करने के लिए प्रोडक्ट फाइल पर जाना है। इसमें AEFT की फाइल होगी, इसे ओपन कर लेना है। इसमें नीचे एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा, इस फाइल को नोटपैड में ओपन कर लेना है। और यहाँ पर एडिट में जाकर फाइंड पर जाना है और सिस्टम टाइप करना है। सपोर्टेबल वर्जन 10.0 लिखा हुआ है। ये आपके सिस्टम में वर्जन होगा तो ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एडिट करके अपने सिस्टम का वर्जन टाइप कर देना है। इसे पता करने के लिए विंडो प्लस R प्रेस करेंगे और विनवेयर टाइप कर इंटर कर देंगे तो हमारे सिस्टम का वर्जन शो हो जाएगा। हमारे इसमें विंडो 11 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन किस H2 है। आपके यहाँ पर 10+3, 10+2, 8.3, 6.3 कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके सिस्टम का वर्जन हो उसे देख लेना है और यहाँ पर जहाँ पर भी सिस्टम वर्जन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको ये ध्यान रहे कि इसमें कोमा, पूर्ण विराम आदि को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम वर्जन को सिलेक्ट करना है और इसमें अपना सिस्टम वाला जो वर्जन है उसे टाइप कर देना है। मेरे सिस्टम का वर्जन 21H2 है तो मैं 21H2 प्रेस कर देता हूँ। इसे आगे मैक्सिमम में भी इसको सिलेक्ट कर लेना है और 21H2 टाइप कर देना है। इसके आगे मिनिमम में भी 21H2 टाइप कर देना है। दोस्तों, आपको ऐसे वर्जन नहीं मिल रहा हो तो आपको इसे पता करने के लिए फाइंड में जाकर मेन टाइप कर देना है और फिर फाइंड करना है तो जहाँ पर भी इसका वर्जन लिखा हुआ होगा वो सर्च हो जाएगा। मेन OS वर्जन इसे सेलेक्ट कर लेना है और 21H2 लिख देना है। इसी तरह फिर फाइंड करेंगे, मेन OS वर्जन जो लिखा हुआ है इसे चेंज कर देना है। अब इस फाइल को सेव कर देना है और इसे बंद कर देते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो हमारा एडोब आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल होने लग जाएगा। इस तरह हम इस एरर को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।